नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और आज हम वही उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन आज की जो चर्चा है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सबकी निगाहें कल जो बड़ी बैठक दिल्ली में हुई है बीजेपी की प्रत्याशियों के नामों के मंथन को लेकर, तो ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं बीजेपी के पूरी तरीके से तैयार हो गया है। 2027 का सेमीफाइनल इन उपचुनावों को माना जा रहा है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर तो क्लियर हो गई है कि 9 सीटों पर बीजेपी लड़ने जा रही है और 1 सीट आरएलडी के खाते में जा रही है। लेकिन संजय निषाद को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, निषाद पार्टी की तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि 2 सीटों पर उन्होंने मांग की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पत्ता साफ न होता दिखाई पड़ रहा है। जहां पहले हाथ से विधायक निकला और अब कहीं ना कहीं जो 2 सीटों की मांग हो रही थी वो सीटें भी निकलती नजर आ रही है। क्यों ये हम समझेंगे, गौरव हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। गौरव, उपचुनाव को लेकर तो हम देख ही रहे हैं कि इस तरह से सरगर्मियां तेज होती चल रही हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे दिए हैं, पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अब बीजेपी पर सबकी निगाहें थी। लेकिन उससे पहले अब निषाद पार्टी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं उनका खेला करती बीजेपी नजर आ रही है। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों का लचर प्रदर्शन रहा था, आपने देखा था, चाहे वो निषाद पार्टी की बात करें या ओम प्रकाश राजभर की सुभाषता का बात करें, दोनों पार्टियों की जो स्थिति रही है लोकसभा चुनाव में, अपने वोट बैंक को उन लोगों ने शिफ्ट नहीं करा पाए बीजेपी की। अगर आपको याद होगा तो संत कबीर नगर की वो सीट जहाँ से संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को टिकट दिया था बीजेपी ने अपने पार्टी के सिंबल पे, वहाँ से उन्होंने बुरी तरीके से चुनाव हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से अब बीजेपी अपने सहयोगियों को उतना डिपेंडेंट रहने के मूड में जरूर नहीं आ रही है। बात करें अगर पूर्वांचल की सीटों का, तो मझवा सीट थी और कटहरी सीट थी, जिस 2 सीटों का डिमांड संजय निषाद कर रहे थे। इसके पीछे उनकी दलील थी कि 2022 का जो विधानसभा उपचुनाव हुआ था, इन दोनों सीटों पर संजय निषाद की पार्टी चुनाव लड़ी थी। मझवा सीट से रमेश कुमार बिंद अब भदोही के सांसद हो चुके हैं और वो बीजेपी के नेता हो चुके हैं, और कटेरी से लालजी वर्मा विधायक थे, अब वो सांसद हो चुके हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पहले अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी एक आत्ममंथन के दौर से गुजर रही थी। बीजेपी ने, आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो राज्य के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो ब्रिजेश पाठक हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, कृष्ण प्रसाद मौर्य हो, फिर मंत्री संगठन मंत्री हो, इन लोगों को दिल्ली बुलाया गया, उसके बाद एक मीटिंग का दौर चला, फिर आत्ममंथन हुआ कि किन पार्टियों को सहयोगियों पार्टियों को कितना टिकट देना चाहिए। तो एक पूरा खाका तैयार करने के बाद बीजेपी इस हद एक रिजल्ट तक पहुंची कि 9 सीटों पर बीजेपी स्वयं चुनाव लड़ेगी और 1 सीट जो है मीरापुर वाली, जो चंदन चौहान की सीट थी जो आरएलडी खाते में थी, वो आरएलडी को दिया जाएगा। तो फिलहाल जिस प्रकार की स्थिति नजर आ रही है, कहीं ना कहीं संजय निषाद के लिए एक दोरा झटका कहा जाए, क्योंकि पहले हाथ से विधायक निकला, अब सीट पर भी खतरा मंडराते हैं। और क्या माना जाए, कल की बैठक के बाद तस्वीर लगभग जो है तैयार, मतलब पूरी तरीके से तय हो चुकी है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से संजय निषाद, जब ये बीजेपी के जो इकाई राज्य के जो बड़े नेता हैं, जब वो मीटिंग से दौरे, तो जिस प्रकार से सामने देखा संजय निषाद जैसे पहुंचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के पास गए और उन्होंने वहाँ बातचीत करी। इसके बाद एक कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही वो संजय निषाद की मुलाकात अमित शाह से हो सकती है। तो जिस तरीके से पूरा दौर चल रहा है राजनीतिक घटना का, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि देखिए दोहरा झटका हम कह सकते हैं वैसे, कि उनके जो विधायक थे पहले, वो एक विधायक उनका कम हो गया, फिर उनको टिकट भी नहीं देगा, हालांकि ये दोहरा झटका है। लेकिन अगर बात करें ग्राफ की, तो निषाद पार्टी की जो ग्राफ बढ़ी भी है इस दौर में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साठगांठ करने के बाद ही बढ़ी है। निषाद पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि उत्तर प्रदेश की एक भी सीट पर, विधानसभा सीट या लोकसभा सीट पर अपने बलबूते एक भी चुनाव जीत पाए, तो ऐसे में दोहरा झटका नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक तौर पर थोड़ा सा उनको चोट पहुंचा है, लेकिन आज भी जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, उनका जब उनसे सवाल किया जा रहा था कि बीजेपी कोई सीट देती नजर नहीं आ रही है, लेकिन वो अभी भी आश्वस्त हैं कि अभी ऐसी कोई क्लैरिटी या ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं। देखिए, बीजेपी एक बार मन बना लेती है, मतलब मन बना ली उसने जब लोकसभा में, क्योंकि देखिए लोकसभा में उसे बड़ा झटका लगा था, उसके बाद वो उपचुनाव को सेमीफाइनल की तरह देख रही है कि 27 का जो विधानसभा होने वाला है इसको उपचुनाव को सेमीफाइनल की तरह देख रही है। तो बीजेपी किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए बीजेपी अब जहां भी लड़ेगी चुनाव, उपचुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना चाहती है। और आरएलडी को एक सीट देने का मकसद ये है कि अभी आरएलडी, आपने देखा कि जो आरएलडी के साथ अलायंस हुआ है, वो पोस्ट अलायंस हुआ है, तो जिस प्रकार से आरएलडी को एक साधना भी, क्योंकि दक्षिण, अगर हम बात करें पश्चिम यूपी की, तो पश्चिम यूपी में जिस प्रकार से हरियाणा में पार्टी को बड़ा मैंडेट मिला है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ें रही हैं कि वहाँ के जाट जो हैं वो भी थोड़ा से साथ आए, पार्टी के साथ आए, इस वजह से आरएलडी को टिकट दिया गया, एक सीट दिया गया है।
तो कहीं ना कहीं। और एक चीज संजय निषाद की अगर हम बात करें, संजय निषाद कोई इतने कद्दावर नेता नहीं रहे हैं कि देखिए उनकी जाति का उठ रहा है, वो जाति की राजनीति करते आए हैं, वो कभी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली राजनीति नहीं करके आए। तो देखिए कहीं ना कहीं एक पूरे तरीके से झटका लगता हुए संजय निषाद को तो लग ही रहा है, लेकिन इससे बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने की आशंका नजर आ रही है। और जहां तक बात है कि पार्टी छोड़ने की गठबंधन, तो आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी फॉर्मूला आज माने जा रही है, हालांकि ये भी बात है कि जिस सीट पर कब्जा निषाद पार्टी कर रहा है उस सीट पर बीजेपी अपना उम्मीदवार अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है, हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी के इस फॉर्मूले पर संजय निषाद राजी हो पाएंगे, क्योंकि जिम्मा उपेंद्र चौधरी और किशन प्रसाद मौर्य को सौंपा गया है? देखिए ऑप्शन नहीं है उनके पास ज्यादा, कहाँ जाएंगे? इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, पहले भी समाजवादी पार्टी के साथ रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के साथ रहे कैसा कैसा आरोप लगा के फिर वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में। आपने देखा होगा वो 2018 का जो उपचुनाव था लोकसभा का, कैसे उनके बेटे प्रवीण निषाद को समाजवादी पार्टी ने अपने बलबूते चुना जाता। स्थिति ये है संजय निषाद की, संजय निषाद अकेले नहीं चुनाव लड़ सकते। एक बार ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर ने 2019 से एक बार अकेले चुनाव लड़के देख चुके हैं। उन लोग बैसाखियों की हमेशा जरूरत रहती है, लेकिन हम देखते हैं कि अपने संगठन को साथ लेकर बीजेपी चलती है, और जिस तरह से ये फैसला यहाँ पर लिया गया है, अगर बीजेपी एक कोई कदम उठाती है और निषाद, हालांकि आप कह रहे हैं कि ऐसा इतना ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर संजय निषाद नाराज भी होते हैं, लेकिन बीजेपी के इस कदम को अगर हम देखें तो उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, क्यों बीजेपी की तरफ से फैसला कि अब अपने सहयोगी दलों को, क्योंकि हमने देखा अगर थोड़ा पीछे जाएं तो हमने देखा अनुप्रिया पटेल ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी, तो ऐसे में ये जो कदम उठाया है बीजेपी की तरफ से इसको किस तरह से देखा जाए, क्या वजह मानी जाए? देखिए ये एक बीजेपी की स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में यूपी पूर्वांचल में बड़ा झटका लगा था ना, उसके बाद बीजेपी किसी भी सहयोगी दलों पे भरोसा करने के उसमें नजर नहीं आ रही है। अगर बीजेपी भरोसा, देखिए बीजेपी का जो जिस वोट बैंक को ये क्लेम करते हैं कि वोट बैंक मेरा है, जो जाति की राजनीति करते हैं, बीजेपी शुरू से जब बीजेपी 2014 से जो राजनीति का तरीका बदला है उसमें यादवों को छोड़कर गैर यादव ओबीसी को हमेशा साधने का राजनीति रहा है बीजेपी का। अगर हम बात करें पाल की, बात करें साख की, बात करें कुशवाहा की, बात करें कोयरी की, बात करें पटेल की, बात करें तो एक पूरी जो जाति है उन जातियों की राजनीति बीजेपी हमेशा करती आई है। आपको याद हुआ कि जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं उस जाति की राजनीति को सटीक साधने के लिए बनाया गया था। अब जहां तक बात आप कह रही थी कि कितना फर्क पड़ने वाला है इन पूरी चीजों की वजह से, तो देखिए अगर निषाद पार्टी साथ आती है, एक तरह से देखा जाए तो कोई सियासी रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती, क्योंकि जो लोकसभा के दौरान भी हमने देखा प्रदर्शन बीजेपी कराए, तो क्या उससे सबक लेते हुए, क्या उसको देखते हुए फैसला काफी अहम है? निश्चित तौर पर बीजेपी मतलब ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती किसी एक पार्टी पे। ये नहीं कि अगर आप जात की राजनीति करें तो आप ओवर डिपेंडेंट हो जाए, ऐसा नहीं कि निषाद समाज के लोग बीजेपी की राजनीति नहीं करते, ऐसे भी। देखिए आपने देखा हो कि अब जो भदोही के सांसद है रमेश बिन, वो मजवा सीट से विधायक थे, अब वो सांसद बने तो वो बीजेपी के नेता हो गए हैं, पहले निषाद पार्टी। अब जिस प्रकार से पूरा एक तंत्र काम कर रहा है वहाँ पे, बीजेपी उपचुनाव को बहुत सीरियस तरीके से ले रही है, बीजेपी वहाँ पूरे सीरियसनेस के पीछे या ये जो गंभीरता से लिया जा रहा है 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर, नहीं एक जो 27 का शायद ये जंग छोड़ना नहीं चाहती है, जो डैमेज हुआ है, जो डेंट हुआ है, कि उसकी भरपाई हो सके। वो तो सेमीफाइनल तौर पे देखा जा रहा है, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में इनको एक बड़ा झटका लगा है ना, उससे भी उभरने का प्रयास है, ताकि एक मनोवैज्ञानिक दबाव कार्यकर्ताओं नेताओं पर, अपने शीर्ष नेतृत्व को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि नहीं अभी हम उसी फ्लो में काम कर रहे हैं, हमारे अंदर वो ऊर्जा, हमारे अंदर वो जोश अभी भी मौजूद है, वो एक बुरा समय था वो बीत गया, हम नए समय की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो बीजेपी ये भी संदेश देना चाहती है अपने शीर्ष नेतृत्व को और अपने कार्यकर्ताओं को भी। तो देखिए क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है क्योंकि कल बड़ी बैठक हुई और इस बैठक को लेकर सबकी निगाहें कहीं ना कहीं दिखी लगाई, टकटकी लगाए बैठे थे सब लोग कि कहीं ना कहीं अब जो तस्वीर है 10 सीटों को लेकर बीजेपी की तरफ से साफ हो सकती है, लेकिन कल की बड़ी बैठक हुई, हालांकि कहा जा रहा है कि 9 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आ रहे, वो ऐसे में 6 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी उतार चुकी है, पत्ते भी खोल चुकी है, तो आखिर यहाँ देरी क्यों हो रही है? देखिए बीजेपी की जो प्रत्याशियों की लिस्ट होगी वो पहले दिल्ली फाइनल होगी, और दिल्ली की राजनीति में भी उठापटक मचा हुआ, आपने देखा होगा जिस प्रकार से हरियाणा की मैंडेट आने के बाद भी ऑब्जर्वर बना के अमित शाह को ऑब्जर्वर बना के भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं अभी दिल्ली की राजनीति में उठापटक मची हुई, इस वजह से थोड़ी देरी हो रही है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि लखनऊ में प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल हो गए हैं,
जल्द ही उन्हें दिल्ली भेजा जाएगा कंफर्म करने के लिए, उसके बाद कंफर्मेशन होने के बाद आएगा, फिर प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए जाएंगे। तो देखिए उपचुनाव को लेकर लगातार हम आपसे रोजाना चर्चा कर रहे हैं और एक के बाद एक जो चीजें हैं निकल कर सामने आ रही है। निषाद पार्टी की तरफ से 2 सीटों की मांग यहाँ पर की जा रही थी जिसमें मजवा और कटेरी, और 1 सीट तो कहीं ना कहीं निषाद पार्टी का उस पर कब्जा था, लेकिन क्या वाकई बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ खेला कर दिया है, संजय निषाद के साथ खेला कर दिया है, ये सवाल है। और ऐसे में अब बीजेपी किस तरह से इन 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारती है और क्या समाजवादी पार्टी को मुकाबला यहाँ पर देती है, ये देखना होगा। यहीं पर चर्चा का विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।